44 more, I feel like logic. Got all the bars, no alcoholic. Still on her mind, she calls me chronic. Saath raat studio mein, that shit exhausting. Jab bhi aake spit karo, they say I toxic. Hug the mic pe, they only toxic. Style kare kabhi, but I'm not like you. You should have known that's Hobson. No option, deta goosebumps every time I spit. No Travis, bande sick. No vaccine, I still got the drip. No capping, made half a mil while you motherfuckers were laughing. No capping, I'm still the biggest 100K on my first album. तो ये हमारा आज का सॉन्ग ऑफ द डे, गाने का नाम है मोर बाय एमसी ताकी। नाउ ये जो गाना है, ये गाना भाई ने बहुत दिल से बनाया ना। हैव बीन लाइक यू नो प्रमोटिंग हिज स्टफ, व्हाई? बिकॉज आई फेल्ट दैट सॉन्ग। इसमें जो लिरिक्स है बहुत ज़्यादा सही है। इनका अंडरग्राउंड रैप जो लाइव स्ट्रीम वगैरह होती है उनमें भी इनके गाने प्ले हुए गए हैं। एंड बिग क्रिएटर्स लाइक अफेक एंड ऑल हैव ऑल्सो यू नो लव्ड द ट्रैक एंड अप्रिशिएटेड हिम फॉर दैट। तो सॉन्ग ऑफ द डे का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप जाइए, उनके 1K सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने में मदद करिए, उन्हें प्यार दिखाइए जितना हो सकता है एंड सपोर्ट दिखाइए। बिकॉज येस सर, I'm telling again that MC Taki is is my brother. So after a long time, I'm trying to get back on track with some kind of videos जो मैं पहले बनाता था, जैसे compilations, album reviews, song के proper reaction time to time. I know I have been so lazy, in fact not making videos and all. So here I am making an album review on MC Stan का latest album है इंसान। नाउ आप लोग को पता रहेगा कि इंसान कितना ज़्यादा हाइप में था। लाइक जैसे ही MC Stan ने अनाउंस किया था, बीच में रफ्तार के साथ, इक्का के साथ जो स्टोरीज डाली थी, इक्का का गाना आया था सब जानता है, उसमें जिस टाइप की बीट थी एंड जिस टाइप के मिक्स मास्टरिंग प्रोडक्शन था, बहुत सिमिलर साउंड कर रहा था लाइक टू MC Stan। तो हमें एक क्लू मिल गया था कि येस सर, इक्का विल बी देयर टू। एंड इक्का है फीचरिंग इन अ सॉन्ग कॉल्ड माँ बाप एंड हाउ टू हेट फीचरिंग रफ्तार। ओके, नाउ ये वाले वीडियो में मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि लाइक आई होप आप लोग मुझे हेट नहीं देंगे। कस सी आई हैव हर्ड द एल्बम, अभी मैं जस्ट सुन के उठा। मैं पूरा पॉइंट्स भी बना रहा था अबाउट द एल्बम रिव्यू, कि हर एक गाने के बारे में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। रिमेंबर स्टैन फैंस, एवरीवन, DHH ऑडियंस, हम लोग इसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों करेंगे। इसके बाद हम लोग टॉप टू बॉटम जो मेरी पर्सनल फेवरेट है वो करेंगे। इसमें हम लोग हर गाने को रेटिंग भी देंगे आउट ऑफ 10 कि कैसा है गाना एंड उसके रीज़न वगैरह भी बताएंगे। बेसिकली हम ट्राई करेंगे कि ये वीडियो ज़्यादा अननेसेसरी लंबा ना हो, ज़बरदस्ती का लंबा ना हो। 10 to 15 मिनट्स हम पूरा एल्बम रिव्यू कवर कर ले एंड उसके बाद हम थोड़ी बहुत बात करेंगे अबाउट द एल्बम इन द एंड एंड ऑफ कोर्स अबाउट तड़ी पार, द फर्स्ट एल्बम ऑफ MC Stan। और क्या हाल चाल, क्या बोलते हिप हॉप सुनने वाली पब्लिक, दिस इज अरुण फ्रॉम इंदौर, बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो द मोस्ट हाइप्ड एल्बम, और मे बी आई शुड से द मोस्ट ओवररेटेड एल्बम MC Stan इंसान। नाउ इंसान एल्बम जब आया था उसमें टोटल है 11 गाने, सारे गाने मैंने 1 by 1 सुने। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सॉन्ग कॉल्ड इंसान। अगर मैं इंसान गाने की बात करूँ तो इसमें जो लिरिक्स है, ऑब्वियसली MC Stan के लिरिक्स इसमें काफ़ी सही है। इसमें जो फ्लो है, फ्लो भी सही है। द ओनली थिंग जो मेरे को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया इज दैट हिज मम्बलनेस एंड द अमाउंट ऑफ ऑटो ट्यून ही यूज्ड इन दैट सॉन्ग। ऑल्सो द फ्लो वॉज ऑल्सो जेनरिक एंड जो गाना था उसमें लाइक एंड में बहुत ज़्यादा पार्ट छोड़ दिया फॉर द इंस्ट्रूमेंटल। तो अगर मैं इसकी रेटिंग करूँगा तो आई विल रेट इट 6 out of 10 एंड द इंस्ट्रूमेंटल वॉज गुड ऑब्वियसली। तो पहले गाने को लाइक आई विल बी रेटिंग 6 out of 10 अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन कि गाना किस टाइप का था, मेरे को इसमें क्या कमियां लगी एंड क्या अच्छा लगा। द सेकेंड सॉन्ग विल बी टॉकिंग अबाउट इज जेंडर। ये लाइक बहुत छोटा गाना था, 1 minute 4 या 5 seconds का था, हद मंबल था लाइक इसमें, लाइक मंबल टू होल अनदर लेवल। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग, चलो ये रिव्यू के बाद ना एंड तक पूरा देखेंगे, एंड में मैं तुम्हें बहुत ही सही चीज़ बताने वाला हूँ, वो चीज़ इंसान एल्बम से रिलेटेड ही है। जो गाना है जेंडर, ये बहुत शॉर्ट गाना था, इसमें लिरिक्स का भी जो पार्ट था वो भी बहुत शॉर्ट था। लिरिक्स जो थी इसमें अनक्लियर थी क्योंकि ऑब्वियसली मैंने लिरिक्स के साथ गाना नहीं सुना, मैंने ऑन द स्पॉट लाइक ऐसे टीवी में स्पॉटिफाई चला के सुना। इसमें मंबलनेस बहुत ज़्यादा थी। ऑटो ट्यून अगेन इसमें यूज किया गया है, विच इज नॉट एन इशू इफ यू यूज इट इन अ पर्टिकुलर गुड अमाउंट, बट ऑटो ट्यून वॉज यूज वे टू मच। बट द पॉजिटिव थिंग इज द फ्लो वॉज गुड, ऑसम फ्लो, एंड द इंस्ट्रूमेंटल वॉज ऑल्सो गुड, इंस्ट्रूमेंटलाइजिंग द म्यूजिक वॉज ऑल्सो गुड। सो लुकिंग एट ऑल द पॉइंट्स एंड एवरीथिंग, आई विल बी रेटिंग इट 4 out of 10 टू द सॉन्ग जेंडर। जो थर्ड गाना था वो था फक लव। नाउ जो फक लव है, इसका जो टाइटल है, लाइक
इंसान जो एल्बम है ना, ये पूरे इंसान के ऊपर ही है। इसमें एमसी स्टैन ने अपने बीइंग हिज ओन ह्यूमन, उसने अपनी सारी फीलिंग्स को व्यक्त किया है पूरे के पूरे इंसान एल्बम में। ना जो फक लव था ये भी मंबल टू नेक्स्ट लेवल था, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मंबलिंग थी, इसकी वजह से लिरिक्स ऑब्वियसली अनक्लियर थे। इसमें जो ऑटो ट्यून यूज था वो बहुत ही चिपमंक टाइप ऑटो ट्यून था, जो चिपमंक वाली जो एक रहती है ट्यून, ऑब्वियसली पता रहेगा जो म्यूजिक करते हैं वो लोग को, उस टाइप का ऑटो ट्यून यूज किया गया था इसमें। फ्लो जो था इसका, चलो फ्लो भी वो जेनरिक फ्लो था, लाइक ठीक है, इट वॉज लाइक गुड टू हियर, द फ्लो वॉज गुड। एंड द इंस्ट्रूमेंटल, ऑब्वियसली इंस्ट्रूमेंटल इज लाइक द यूएसपी ऑफ एमसी स्टैन, चाहे वो किसी भी टाइप का गाना हो, एमसी स्टैन का जो यूएसपी है वो उसकी इंस्ट्रूमेंटल ही रहती है। तो फक लव जो हमारा थर्ड गाना है फ्रॉम इंसान एल्बम, उसको हम लोग रेट करेंगे 4 out of 10। ना जो फोर्थ गाना है वो है बिच। ना जब आप टाइटल सुनते हैं बिच, अगर आपने गाना नहीं भी सुना होगा तो आपके दिमाग में व्हाट इज अ बिच, बिच इज लाइक अ फीमेल डॉग, जो अगर हम अच्छी भाषा में बोले, और दूसरी भाषा में बोले तो बिच एज इन अ हो, हो और लाइक यू नो अ बैड बैड वुमन, बैड गर्ल, अ बैड लेडी हु डज बैड टू यू। तो बिच जो गाना था वो आपको टॉपिक ऑब्वियसली टाइटल से समझ में आ गया रहेगा। ना बिच का जो फ्लो था, फ्लो वॉज ऑल्सो, मुझे फ्लो बहुत प्यारा लगा। इसमें जो इंस्ट्रूमेंटल था, अगेन हिज यूएसपी इंस्ट्रूमेंटल वॉज ऑल्सो रियली गुड। इसमें जो लिरिक्स थे, लिरिक्स भी अच्छी थी, एंड मेन थिंग वॉज लिरिक्स वॉज अंडरस्टैंडेबल। अगर आप सुन रहे हैं बिना वो लिरिकल वीडियो के या बिना सबटाइटल्स के, तो आपको बिच की लिरिक्स समझ में आएंगी। बिच का जो हुक था वो भी बहुत ज्यादा कैची था, एंड लेट मी टेल यू, बिच इज लाइक मच बेटर देन द फर्स्ट 3 सॉन्ग्स आई हर्ड फ्रॉम इंसान एल्बम, व्हिच वाज इंसान, फक लव एंड जेंडर। तो आई विल बी रेटिंग इट 7 out of 10, 7 out of 10 फॉर अ सॉन्ग बिच। जो फिफ्थ गाना था वो था हाउ टू हेट फीचरिंग रफ्तार। नाउ व्हेन रफ्तार कम्स, तो आप रफ्तार से एक उम्मीद करते हैं कि इट्स गोना बी हार्डकोर, इट्स गोना बी लाइक यू नो रफ्तार शिट ब्रो, दैट लिरिकल शिट, दैट फ्लो वाला शिट। बट अगेन जब हमने गाना सुना है, जब मैंने इसका रिव्यू वाले पार्ट बनाया, तो मैं इस पर कुछ ये बोलना चाहूंगा कि इसमें जो लिरिक्स थी एमसी स्टैन की वो अनक्लियर थी, रफ्तार की लिरिक्स क्लियर थी। इन शॉर्ट इफ आई से कि ये वाला जो गाना था हाउ टू हेट, कैसे हेट करे, इसमें रफ्तार आउट परफॉर्म्ड एमसी स्टैन फॉर रियल। आप माने या ना माने, बट फॉर मी रफ्तार आउट परफॉर्म्ड एमसी स्टैन इन हिज ओल एल्बम इन हिज ओन सॉन्ग बाय जस्ट फीचरिंग। फ्लो बहुत अच्छा था रफ्तार का, एमसी स्टैन का भी द फ्लो वाज जेनरिक, इंस्ट्रूमेंटल बहुत ज्यादा प्यारी थी। तो हाउ टू हेट को मैं जब रेटिंग दूंगा तो मैं इसे रेट करने वाला हूं अगेन 7 out of 10। के बाद जो गाना था वो गाने का नाम था बस्ती का हस्ती। नाउ व्हाट इज अ बस्ती, लिसी इन महाराष्ट्र और इन द मराठा लैंग्वेज व्हाट वी से बस्ती एज इन हुड, जो हुड रहता है लाइक द हुड का, यू फील मी, बस्ती का हस्ती, हुड का जो हस्ती, हुड का जो सेलिब्रिटी है, हु इज दैट, दैट इज फॉर रियल एमसी स्टैन। नाउ बस्ती का हस्ती गाना मुझे पर्सनली पसंद आया। नाउ लेट मी टेल यू व्हाई, इसमें जो लिरिक्स थी वो क्लियर थी, इसका जो फ्लो था वो भी अच्छा था, इसका हुक भी कैची था, इसका जो इंस्ट्रूमेंटल था जो यूएसपी ऑफ एमसी स्टैन, एज आई हैव बीन जस्ट टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, इसका जो इंस्ट्रूमेंटल था वो भी मेरे को पसंद आया। द ओनली थिंग जो मेरे को अजीब सी लगी थोड़ी सी वॉज दैट, अगर आप बस्ती का हस्ती ध्यान से सुनेंगे द स्टार्टिंग पार्ट, लाइक स्टार्टिंग 1 minute or the 30 second to 1 minute wala part, तो MC Stan will sound like Hellac, HELLAC, I don't know why, but मेरे को Hellac जैसा sound कर रहा था starting में MC Stan, so that is my point of view obviously। तो the rating I'm gonna give for Basti Ka Hasti is 8 out of 10 for MC Stan। इसके बाद जो गाना था वो था कल है मेरा शो। नाउ व्हेन वी से कल है मेरा शो, द शो इज अ थिंग जिससे आप अच्छी खासी कमाई करते हैं। हर एक रैपर शो के ऊपर फोकस करते हैं, टूर्स के ऊपर फोकस करते हैं, बिकॉज दैट इज द यू नो मेन एंड बिग सोर्स ऑफ इनकम। सो हर एक रैपर का सपना रहता है लाइक ब्रो वी नीड अ शो, ब्रो वी वांट टू डू सम शो, वी वांट टू लाइक पुट आवर म्यूजिक इन फ्रंट ऑफ पीपल, परफॉर्म इट लाइव। तो अगर कल है मेरा शो की बात करो तो इसके लिरिक्स थी, लिरिक्स मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई, मुझे अच्छी लगी इसकी लिरिक्स। ऑब्वियसली द इंस्ट्रूमेंटल वॉज ऑल्सो गुड, द हुक was way too catchy कल है मेरा शो का, एंड लिरिक्स वर अंडरस्टैंडेबल। इसमें मंबलनेस एंड ऑटो ट्यून नहीं, मंबल तो था ही नहीं, एंड ऑटो ट्यून भी लाइक एक लिमिट तक यूज़ किया था। तो अगर आप फर्स्ट टाइम सुनते हैं विदाउट सब टाइटल्स, विदाउट लिरिक्स, तो आपको लिरिक्स समझ में आ जाएंगी। तो अगर मैं इसकी रेटिंग करूँगा तो कल है मेरा शो जो ये गाना है, ये मेरे लिस्ट में आता है 9, लाइक 9 out of 10 फॉर कल है मेरा शो। Let's talk about माँ बाप featuring इक्का। नाउ जो माँ बाप जो गाना है इस लाइक वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक आफ्टर इंसानियत, हम लोग इंसानियत पे भी आएंगे। माँ बाप जो गाना है featuring इक्का, ये मेरा फेवरेट गाना है फ्रॉम MC Stan's एल्बम। अब इसके बारे में बताता हूँ मैं क्यों। फर्स्ट ऑफ ऑल द लिरिक्स तो अच्छी है ही, बट द थिंग इज कि इसकी जो लिरिक्स है वो बहुत ज़्यादा डीप है,
ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू मॉम डैड, उसमें जब आप अपनी बातें लिखते हैं, अपने रिग्रेट्स लिखते हैं, अपने गिल्ट लिखते हैं फॉर योर मॉम डैड द रॉन्ग्स मे बी यू हैव डन फॉर देम और टू देम, तो उस चीज़ को हम लोग इसलिए कनेक्ट करते हैं, फील करते हैं क्योंकि हम भी उसी एज में हैं, हमने भी कुछ मिस्टेक्स करी है जो ऑब्वियसली हमारे मॉम डैड ने कभी हमें नहीं बोली, बट वो अभी हमें फील होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अगर इसमें मैं इक्का की बात करूँ तो इक्का का लिरिक्स वॉज स्लाइटली बेटर देन एमसी स्टैन, इक्का का फ्लो वॉज बेटर देन एमसी स्टैन, द लिरिक्स वर वे टू क्लियर of Ikka. So in this song also for me, Ikka Paji outperformed MC Stan in his own album, in his own song just by featuring in a song called Maa Baap. So Maa Baap ki agar main rating karunga to it's gonna be 10 out of 10. Yes sir, it's gonna be 10 out of 10. इसके बाद जो गाना आता है गाने का नाम है रिग्रेट। नाउ व्हेन यू हियर द वर्ड रिग्रेट तो आप रिग्रेट से आपके दिमाग में क्या आता है, द थिंग विच यू रिग्रेट, जिसकी जिसके बारे में आप सोचते कि काश ये चीज़ मैंने कर ली होती या नहीं करी होती। दो तरीके के रिग्रेट होते हैं, एक ये रिग्रेट होता है कि जैसे अगर मैं एल्बम पे रिव्यू नहीं बनाता तो 10 दिन बाद मैं सोचता सबके व्यूज़ देख के कि काश मैंने बना लिया होता तो ये मेरे को रिग्रेट होता। और अभी अगर मैं इस पे बायस्ड होके कि सारे गाने अच्छे हैं, सारे गाने बहुत अच्छे, ये करके मैं आपके व्यूज़ और आपकी तारीफ़ें और आपका प्यार ले लूँ तो 10-15 दिन बाद मेरे को रियलाइज है कि नो ब्रो दैट्स रॉन्ग, आई एम नॉट बीइंग यू नो गुड टू माय एथिक्स एज अ यूट्यूबर। सो रिग्रेट में जो लिरिक्स थी वो कहीं कहीं अनक्लियर थी, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द मम्बलनेस एंड द अमाउंट ऑफ ऑटो ट्यून यूज। लिरिक्स इसमें अच्छी थी, द इंस्ट्रूमेंटल इन दिस वॉज जेनरिक, लाइक ओके ओके इंस्ट्रूमेंटल था, हुक इसका कैची था एंड द फ्लो वॉज ऑल्सो अ बिट जेनरिक। तो अगर रिग्रेट को मैं रेटिंग करूंगा तो इट्स गोना बी 8 out of 10 फॉर एमसी स्टैन। इसके बाद जो गाना आता है वो है वन डे यू गोना पे। नाउ व्हेन यू हियर दैट थिंग वन डे यू गोना पे, बहुत सारे लोग आपको बोलते रहेंगे जिनसे आपकी लड़ाई हो जाती रहेगी, या फिर आपकी मॉम आपको बहुत बार बोलती रहेंगी जब आप कुछ गलत करते रहेंगे कि बेटे एक दिन तू पे करेगा, एक दिन तू पछताएगा। यू फील मी, क्योंकि मेरी मॉम ऐसा बहुत बार बोलती है फॉर वेरियस रीजंस। सो वन डे यू गोना पे ये जो गाना है ये एमसी स्टैन से शायद बहुत ज़्यादा क्लोज है, बिकॉज दिस सॉन्ग has like you know lyrics जो है इसमें it's like I felt those lyrics, मुझे वो lyrics सही लगी। इसका मैंने अलग से lyrical video भी देखा क्योंकि हाँ obviously ये mumble था, इसमें mumble था कहीं ना कहीं, topic जो था वो बहुत अच्छा था, इसमें जो lyrics थी lyrics भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, instrumental again generic था and the flow was also generic on this song one day you wanna pay। सब लाइक 4 minutes something का गाना है and end में काफ़ी time तक instrumental बजता है। तो one day you wanna pay को हम लोग rate करने वाले हैं 7 out of 10। जो लास्ट गाना आता है वो गाने का नाम है इंसानियत। नाउ इंसानियत एज इन ह्यूमैनिटी, एंड आज के टाइम में ह्यूमैनिटी इज लाइक नोवेयर नियर, लाइक बहुत कम लोग हैं जो इंसानियत लाइक अपनी ह्यूमैनिटी को जिंदा रखे हुए हैं। इंसानियत जो टॉपिक है एंड जिस तरीके से एमसी स्टैन ने इसे पोर्ट्रे किया है मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। इसमें जो लिरिक्स है वो बहुत अच्छी है, इस गाने में फील है, यू विल फील दिस सॉन्ग, ये गाने में कसम से फील है। अगर आपने नहीं सुना है तो ये गाना मैं रेकमेंड करूंगा सुनने के लिए, लाइक द इंसानियत। इसमें जो अगेन इंस्ट्रूमेंटल था ऑब्वियसली जेनरिक था क्योंकि जो टॉपिक उस टाइप का था, इसमें आपको कुछ अलग सी फंकी टाइप इंस्ट्रूमेंटल की जरूरत नहीं थी, और इसका जो फ्लो था फ्लो भी इसका बहुत ज्यादा अच्छा था, तगड़ा था, मुझे पसंद आया। तो इंसानियत को मैं रेट करूंगा 9.5 out of 10। तो बेसिकली ये हो गया हमारे सारे गाने का रिव्यू विद द रेटिंग्स, एंड एंड में हम लोग और जो बात करने वाले थे उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग एमसी स्टैन के फर्स्ट एल्बम के बारे में बात करें विच वॉज तड़ी पार, तो तड़ी पार वॉज मच बेटर देन द लेटेस्ट एल्बम इंसान। बट हाइप किसकी ज़्यादा थी? हाइप ज़्यादा थी इंसान की। जब किसी चीज़ की हाइप ज़्यादा रहती है उस पर स्ट्रीम्स भयंकर आते हैं, पब्लिक लिसन टू दैट, पब्लिक सपोर्ट्स दैट। नाउ इंसान जो एल्बम है ये आपको कब और कैसे सुननी है ये मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ नशे वाला स्टफ, बट अगर आप माल फूकते हैं एंड इफ़ यू आर लाइक स्मोकिंग द पॉट एंड उसके बाद आप पूरे सुरूर में आके ये पूरी एल्बम सुनते हैं तो आपको ये एल्बम क्लासी लगेगी, लेजेंडरी लगेगी, आपको बहुत मजे आएंगे। बिकॉज इसमें जो गाने हैं ट्रिपी गाने हैं, ग्रूवी गाने हैं, वाइब वाले गाने हैं, जब आपका दिमाग भन रहेगा तब आप सुनेंगे तो आपको बहुत सेक्सी लगेगा। तब आप यू वोंट गिव अ फक अबाउट द लिरिक्स और द आप समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, यू विल जस्ट वाइब टू इट, यू विल जस्ट ग्रूव टू इट। जब तड़ी पार की बात करें तो तड़ी पार में एमसी स्टैन ने ऑब्वियसली नई चीज़ें ट्राई करी थी, जो था इंस्ट्रूमेंटल के साथ कुछ नया ऑटो ट्यून एंड ऑब्वियसली चिपमंक ऑटो ट्यून वाला पार्ट, ये ऑलरेडी एमसी स्टैन अपने तड़ी पार में कर चुका है। बट तड़ी पार बेटर क्यों था? वो इसलिए बेटर था क्योंकि तड़ी पार में एमसी स्टैन का जो ओल्ड वर्जन था वो भी था, उसमें जो लिरिक्स थी बहुत क्लियर थी, फ्लो भी बहुत सेक्सी था। तड़ी पार के इंस्ट्रूमेंटल वॉज बेटर देन द वंस इन दिस, द प्रोडक्शन ऑफ तड़ी पार वॉज गुड। नाउ लेट्स सी इसमें कैसा रिस्पॉन्स आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक दिन में लाइक आई गेस 600 or 700K स्ट्रीम्स कंप्लीट कर लिया एमसी स्टैन के एल्बम ने, सो हेड्स ऑफ एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू दैट। एंड
आगे आई होप कि ये और ज्यादा बढ़ते रहे। एंड मुझे आप लोग ये बात बताइए कि मैं तड़ीपार वर्सेस इंसान एल्बम के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं। अगर बनाऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ना हम लोग देख लेते हैं कि मेरे तरुण झा T.7 लाइफस्टाइल के टॉप टू बॉटम लिस्ट में जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अगर मैं ऐसे रैंकिंग करूँ तो मेरे लिए कौन से गाने कहाँ पे आते हैं। सबसे पहला गाना जो आता है मेरे लिए वो है माँ बाप फीचरिंग इक्कैट नंबर 1। सेकेंड इज गोना बी इंसानियत विच इज लाइक सिंगल ऑफ MC Stan। थर्ड इज गोना बी कल है मेरा शो विच इज अगेन अ सिंगल ऑफ MC Stan। उसके बाद जो होने वाला है वो मेरा होने वाला है बस्ती का हस्ती विच इज लाइक काइंड ऑफ अ डिस ट्रैक। उसके बाद जो होने वाला है मेरा दैट इज रिग्रेट। रिग्रेट के बाद आई एम गोना गो विथ हाउ टू हेट फीचरिंग रफ्तार। उसके बाद आई एम गोना गो विथ बिच। उसके बाद जो फर्स्ट 3 सॉन्ग्स हैं इंसान जेंडर एंड फकला वो आप अपने हिसाब से 1, 2, 3 करके आप उसे रेटिंग कर लीजिए। So this is T.7 lifestyle with the full album review, keeping it brief, short and talking to the point and honestly speaking about everything over here without being rude or judgmental or arrogant. So in case अगर आपको किसी भी बात का बुरा लगा हो प्लीज़ आप अच्छे तरीके से कॉमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज आप पोर्ट्रे कर सकते हैं क्योंकि मैं इस वीडियो के कमेंट्स ऑब्वियसली पढ़ने वाला हूं, बिकॉज़ ऑब्वियसली आपसे मुझे सीखने मिलेगा, मुझसे आपको सीखने के लिए मिलेगा। सो विद दैट सेड आई बी रैपिंग अप विद दिस वीडियो। इन केस यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड में जाते जाते वही कहूंगा जो हमेशा कहता है, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड स्टे सेक्सी बेबी।